विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में खूनी खेला हो रहा है। अब तक कई लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुकान लूटना छोटी घटना हो गई है, मारपीट तो बेहद सामान्य और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या ये आम बात हो गई। टीएमसी के गुंडे बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और ऐसे हिंसा से भरे कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। समझ में नहीं आता कि महिला शासित एक प्रदेश में महिलाओं के ऊपर ही इतना अत्याचार हो रहा है और वो मुखिया महिला तमाशा देख रही है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी कहती हैं, लेकिन उसी बंगाल में बेटियों की दुर्गति हो रही है। अब कहीं कोई विपक्ष, कोई मीडिया, कोई विमेन कमीशन, कोई मानवाधिकार या कोई शर्म बची है? बीजेपी को असम और पुडुचेरी में जीत हासिल हुई है, लेकिन कहीं से कोई हिंसा की खबर आई? लेकिन बंगाल में टीएमसी जीतती है और लोगों के मरने की खबर आने लगती है। बंगाल है तुष्टीकरण की राजनीति का लहूलुहान उदाहरण, बंगाल है ओछी राजनीति का असली उदाहरण, बंगाल है देश विरोधी असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का घुसपैठिया उदाहरण, बंगाल है हिंसा की नींव पर सत्ता का साम्राज्य खड़ा करने का रक्त रंजित उदाहरण, बंगाल है अपनी ही जनता के खून से तृणमूल के फूल सींचने का दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण। और अगर अब भी नहीं जागे ना, तो जैसे बंगाल में लोग मारे जा रहे हैं, कुछ वैसा ही देश भर का हाल हो सकता है। सोचिएगा जरूर। जय हिंद।